इस मूवी की शुरुआत में हम एक नाउटो नाम के आदमी को देखते हैं जो कि बेड के नीचे छिपा किसी के पैरों को देख रहा था और वो बस उन पैरों को ही देखता रहता है। वो पलंग के नीचे काफी लंबे समय से था और इसीलिए वो वहीं पर लेट गया था। तभी वहीं कोई दूसरा आदमी आकर उस लड़के को बिस्तर पर जोर से फेंक देता है और फिर उन दोनों के कपड़े जमीन पर आते हैं और पलंग जोर जोर से हिलने लगता है और ये सारी एक्टिविटीज नाउटो देख रहा था। वो पलंग काफी जोर जोर से हिल रहा था और लड़की भी दर्द में चिल्ला रही थी। नाउटो अपना हाथ ऊपर पलंग पर टच करता है और सोचता है कि शायद वो इस लड़की को टॉर्चर से बचा सके। फिर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम बहुत साल पहले फ्लैशबैक में आ जाता है जब नाउटो स्कूल में था और स्कूल में नाउटो के दोस्त और बाकी के लोग उसे अपने से दूर कर देते थे। नाउटो का कोई भी दोस्त नहीं था और ना ही कोई उसकी परवाह करता था। लोग उसे इतना ज्यादा इग्नोर करते थे कि जब स्कूल की क्लास फोटो लिया जाता था तो उसे कोई भी याद नहीं करता था। अब जब नाउटो कॉलेज में आता है तो वहाँ के टीचर्स उसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। नाउटो को नहीं पता था कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है और तभी पीछे से चिहिरो नाम की लड़की नाउटो का नाम पुकार कर उसे अपनी नोटबुक देती है और उसकी हेल्प करती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद में नाउटो चिहिरो को थैंक यू बोलता है और चिहिरो स्माइल करती है। नाउटो फिर आगे उसे कॉफी के लिए पूछता है और चिहिरो उसके लिए हाँ भी कर देती है। रेस्टोरेंट में आने के बाद में नाउटो उसे बताता है कि पहली बार किसी ने उसका नाम पुकारा है और इनकी इस मीटिंग के दौरान चिहिरो नाउटो को अपनी पसंद के क्लब्स और बाकी चीजों के बारे में बता रही थी जिसे नाउटो बस सुन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो कुछ नहीं बोलेगा तो चिहिरो वहां से बोर होकर चली जाएगी, लेकिन फिर भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोल पाए। चिहिरो नाउटो से उसकी हॉबीज के बारे में पूछती है जिस पर वो ये कहता है कि उसे रेनबो फिश की ब्रीडिंग करवाना पसंद है और बस वो उसके बारे में ही आगे बातें करता रहता है और इसीलिए चिहिरो उसे कहती है कि उसे भी अब एक फिश चाहिए और नाउटो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे अपनी रेनबो फिश में से एक फिश उसे दे देगा। अब प्रेजेंट डे में हम देखते हैं कि नाउटो फिर से चिहिरो से मिलना चाहता था। वो इतना ज्यादा क्रेजी हो गया था कि वो बस उसकी फेवरेट कॉफी ही पीता था और वो उसे हर जगह ढूंढ रहा था। नाउटो उनके कॉलेज में भी मेल करता है ताकि उसे चिहिरो के बारे में कुछ पता चल सके और वहां से उसे पता चलता है कि चिहिरो दूर कहीं अपने पति हमाजाकी के साथ में रहती है, जिसके बाद में नाउटो उस एड्रेस पर जाता है और घर के बाहर खड़ा होकर चिहिरो से बस एक बार मिलना चाहता था। चिहिरो अपने घर से बाहर निकलती है और वो बहुत ही कमजोर लग रही थी, जैसे कि वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान है। वो नाउटो के बिल्कुल पास से निकलती है लेकिन वो उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाती। नाउटो बस उसे यहाँ पर एक बार देखने आया था, लेकिन जब चिहिरो उसे ऐसी हालत में दिखती है तो यहीं पर रुककर पूरी सिचुएशन को जानने की कोशिश करता है कि उसके साथ में यहाँ पर क्या हुआ है। नाउटो इसी शहर में एक अपार्टमेंट रेंट पर लेता है जो कि चिहिरो के घर के बिल्कुल सामने था। वो चिहिरो की फोटोज को प्रिंट आउट निकला कर उसे अपनी दीवार पर लगाता है और वो अपने कमरे में एक मैनिक्विन को चिहिरो के जैसे कपड़े पहनाकर उसे टच करता है और वो ऐसा महसूस करता है कि वो चिहिरो को ही महसूस कर रहा है। अब हम फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं जब नाउटो चिहिरो के लिए वो फिश लेकर जा रहा था। चिहिरो फिश देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और वो उसे अपने घर में इनवाइट करती है। नाउटो उसकी इस खुशी में खो जाता है और फिर चिहिरो उसे कहती है कि क्या वो उसके घर कभी कभी मछलियों को देखने आ सकता है, जिस पर नाउटो भी मान जाता है। प्रेजेंट डे में नाउटो अपने घर से चिहिरो के घर पर नजर रख रहा था और अब ये नाउटो की नई हॉबी बन गई थी। वो देखता है कि चिहिरो अपने बच्चे का ध्यान रखती है, घर का काम भी करती है और रात में अपने पति के साथ डिनर भी करती है। लेकिन एक दिन हमाजा के चिहिरो के मुंह पर पानी फेंक देता है और उसे जमीन पर पटक के उसे बहुत मारता है। नाउटो ये देखकर शॉक हो गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि चिहिरो के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर अगले दिन नाउटो चिहिरो के घर के पास में आता है ये देखने के लिए कि कल के बाद चिहिरो की हालत कैसी है और वो देखता है कि चिहिरो का चेहरा सूजा हुआ है। नाउटो ये मान लेता है कि चिहिरो के साथ में कुछ बुरा नहीं हुआ है और वो चिहिरो को खुश करने के लिए उसके घर के बाहर एक बुके खरीद कर रख देता है जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हारी खुशी पसंद है। चिहिरो जब उस बुके को देखती है तो खुश नहीं होती है बल्कि उसे कचरे में फेंक देती है। अब एक दिन चिहिरो नाउटो की शॉप पर कुछ मछलियाँ खरीदने आती है जिसे देखकर नाउटो बड़ा खुश हो गया था। चिहिरो को मछलियाँ बहुत पसंद थी और नाउटो कहता है कि जब से उसने यहाँ पर शॉप खोली है तब से वो उसे ये मछलियाँ फ्री में देना चाहता था। लेकिन चिहिरो नाउटो की तरफ बिना देखे ये कहती है कि उसके घर में एक्वेरियम नहीं है और वो उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकती है। हम ये देखते हैं कि चिहिरो नाउटो को अभी तक पहचान नहीं पाई थी और नाउटो उसे झूठ बोलता है कि उसके पास एक फालतू फिश टैंक पड़ा हुआ है जिसमें मछलियां डालकर वो चिहिरो के घर उसे डिलीवर कर देता है और उसे देखने के बाद में चिहिरो बड़ी खुश थी। वो मछलियों को देखकर खुश हो रही थी और नाउटो उसे देखकर चिहिरो उसके लिए कुछ लेने जाती है और मौका देखकर नाउटो उसके घर की चाबी चुरा लेता है
और फिर चिहिरो उसे कुछ फ्रूट्स देकर अलविदा कहती है। नाउटो घर आकर चिहिरो के घर की चाबियों की कॉपी बनाता है और वो ये भी नोटिस करता है कि चिहिरो सिगरेट बहुत पीती है और इसीलिए वो एक लाइटर में एक माइक भी फिक्स कर देता है। अब हम देखते हैं कि हमाजाकी घर आकर चिहिरो को टॉर्चर करता है और उसके पास में नाउटो का लाइटर पड़ा हुआ था जिससे कि नाउटो को वो सारी बातें सुनाई दे रही थी। नाउटो उस आवाज को रिकॉर्ड करके उसे रोज सुना करता था और उसकी चाबी की मदद से वो कई बार उसके घर में जाया करता था जब चिहिरो अपने घर से कहीं जाया करती थी ताकि वो माइक की बैटरी और फिश टैंक को साफ कर सके। फिर एक दिन नाउटो के घर से निकलने से पहले ही चिहिरो आ गई थी और इसीलिए नाउटो उसके घर के किचन काउंटर के पीछे चुप गया था। चिहिरो को कुछ अजीब लगता है लेकिन फिर वो उसे इग्नोर कर देती है और फिर नाउटो मौका देखकर वहां से निकल जाता है। अब अगले दिन चिहिरो नाउटो के शॉप पर फिश फूड लेने आई थी और वो उसे खुशी से बताती है कि उसकी मछलियां अभी तक ठीक ठाक है जबकि उसने ऐसा सुना है कि रेनबो फिश जल्दी ही मर जाती है लेकिन उसकी मछलियां अभी तक जिंदा थी जिससे कि वो बहुत खुश है। अब नाउटो उसे फिर से कॉफी के लिए पूछता है और वो उसके लिए उसकी फेवरेट कॉफी लेकर आता है। दोनों कॉफी को एंजॉय करते हैं और चिहिरो के जाने के बाद में नाउटो उसके झूठे कप को किस करता है। अब अगले दिन वो उसके घर जाकर उसके बेड के नीचे छुप जाता है जहाँ पर वो चिहिरो के चीखने की आवाजें सुनता है क्योंकि उसका हस्बैंड उसके साथ बिस्तर पर जबरदस्ती करता है। और अगले दिन हमाजाकी को बुके का वो नोट मिलता है जिससे कि वो चिहिरो पर शक करता है कि उसका किसी के साथ में अफेयर है और वो उसे बड़ी बेरहमी से मारता है जिसे नाउटो बेड के नीचे से देख रहा था। हमाजाकी यहाँ भी नहीं रुकता और उसे बाथरूम में ले जाकर टॉर्चर करता है और उसका सर बाथटब में डाल देता है और बार बार उसे उस आदमी के बारे में पूछ रहा था जिसके साथ में उसका अफेयर है। फिर जब हमाजाकी आकर सो जाता है तो नाउटो तुरंत बेड के नीचे से निकलता है और बाथरूम में जाता है जहाँ पर चिहिरो बेहोश पड़ी हुई थी। वो उसे बाथटब से निकाल के सुखाता है और उसे कम्बल उड़ाकर वहां से चला जाता है। चिहिरो की जब नींद खुलती है तो वो कम्बल को देखकर समझ जाती है कि किसी ने उसकी यहाँ पर मदद की है और उसे ये रियलाइज होता है कि सच में कोई उसके पीछे है। उसे ये भी पता चलता है कि कोई उसके ऊपर हर वक्त नजर रखता है और इसीलिए वो उसे बचाने के लिए भीख मांग रही थी और नाउटो उसकी बातों को सुन लेता है। अब फिर से हम फ्लैशबैक में आ जाते हैं जहाँ पर नाउटो रोज चिहिरो की फिश को चेक करने उसके घर जाया करता था जहाँ पर एक दिन चिहिरो उसे मना कर देती है। नाउटो बस वहाँ से जाने ही वाला था लेकिन चिहिरो का बॉयफ्रेंड उसे खींचकर बहुत मारता है। चिहिरो जब उसे रोकने की कोशिश करती है तो चिहिरो का बॉयफ्रेंड उसे ही मारता है और इसीलिए नाउटो उसे छुड़ाने के लिए उसके बॉयफ्रेंड को फिश टैंक से एक वायर निकालकर शॉक दे देता है जिसके बाद में उसका बॉयफ्रेंड वहां से चला गया था। नाउटो चिहिरो को हक करता है जिसके बाद में दोनों क्लोज आते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में नाउटो उस दिन को याद कर रहा था और एक इलेक्ट्रिक टीजर खरीद कर रख लेता है ताकि चिहिरो अगर किसी परेशानी में फिर से आए तो वो उसे बचा सके। इधर हम देखते हैं कि चिहिरो को उसकी माँ का कॉल आता है जो कि उसे कहती है कि उसके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो आखिरी बार उसे देखना चाहती है जिससे कि शाम को चिहिरो अपने हस्बैंड से अपने पिता से मिलने जाने की परमिशन लेती है लेकिन वो तुरंत उसे मना कर देता है जिससे कि चिहिरो वहाँ पर जाने की भीख मांगती है लेकिन उसका पति नहीं मानता और इसीलिए गुस्से में चिहिरो अपने पति को ही थप्पड़ मार देती है। हमाजाकी गुस्से में उसके हाथ में फोर्क घुसा देता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। नाउटो वहीं पर था और पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रहा था। वो इलेक्ट्रिक टीजर से उसे शूट करना चाहता था लेकिन उसे ऐसा करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हमाजाकी लगातार उसे टॉर्चर कर रहा था और ये देखकर नाउटो कोने में रो रहा था क्योंकि उसकी लवर को वो अपनी आंखों के सामने टॉर्चर होता हुआ देखता है। घर आकर नाउटो गिल्ट में था और इसीलिए वो खुद को टीजर गन से पनिश करता है। और फिर अगले दिन चिहिरो अपने बच्चे को लेकर घर से निकलती है और कार से भागती है जिसे देखकर नाउटो को लगता है कि शायद वो फिर से चिहिरो को हमेशा के लिए खो देगा। वो फिर से फ्लैशबैक में जाता है जब वो चिहिरो के घर उसकी मछलियों को देखने गया था जिससे हमें पता लगता है कि जो भी नाउटो चिहिरो के बारे में सोचता था वो सब गलत था और चिहिरो ने कभी उसे प्यार नहीं किया। वो बस एक ही बार कॉफी शॉप में मिले थे और बाकी सब कहानी बस नाउटो की इमेजिनेशन थी और पिछली बार की तरह इस बार भी चिहिरो उसे छोड़कर चली गई थी। फिर बाद में नाउटो अपने घर में मैनिक्विन से चिहिरो के कपड़े और उसकी फोटोज को दीवार से हटा देता है और इधर हम देखते हैं कि चिहिरो अपने फेवरेट कॉफी पी रही थी और बहुत दूर जा चुकी थी अपने पति के डर से भी बहुत दूर। वो लाइटर से अपनी सिगरेट जलाती है और उसमें एक माइक को नोटिस करती है और वो उसे ये भी कहती है कि अगर माइक में कोई सुन रहा है तो वो उसे रिस्पोंड करे लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वहाँ का गेट कोई नॉक करता है और वहाँ पर हमाजाकी उसके पास आ गया था और वो उसे पीट कर वापस अपने घर लेकर आ जाता है जहाँ पर वो उसकी फिर से पिटाई करता है
और चिहिरो अपने मिस्टीरियस मैन से मदद के लिए आवाज लगा रही थी कि शायद वो इस बार भी उस पर नजर रख रहा हो और वो आसपास ही हो। वो उसे याद ही कर रही थी कि नाउटो वहाँ पर टीजर लेकर आता है और हमाजाकी को टीजर से इलेक्ट्रिक शॉक देता है। चिहिरो नाउटो को देखकर शॉक होती है क्योंकि उसे बस ऐसा लगता था कि नाउटो बस एक फिश शॉप वाला है। वो नाउटो से पूछती है कि वो कौन है, जिस पर नाउटो कहता है कि वो बस जल्दी से ठीक हो जाएगी। वो चिहिरो को अपना नाम नहीं बताता क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसे उसका नाम नहीं पता है क्योंकि उसने उसके साथ आज से 11 साल पहले एक कॉफी शॉप में एक ही बार मुलाकात की थी। चिहिरो फिर अपने पति को मारने की कोशिश करती है ताकि वो उससे पीछा छुड़ा सके, लेकिन नाउटो उसे रोक देता है और खुद हमाजाकी को मार डालता है, जिसके बाद में वो खुद को पुलिस को सरेंडर कर देता है, जहाँ पर पीछे से चिहिरो आती है और उसे उसके नाम नाउटो से पुकारती है क्योंकि नाउटो के जाने के बाद में वो उसके घर गई थी जहाँ पर उसे उनके कॉलेज की फोटोज मिली। नाउटो चिहिरो के मुंह से अपना नाम सुनकर खुश होता है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मिस्टीरियस लव स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी हमारा वीडियो मिस ना हो। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।